भी आपने सुना जरदारी साहब ये कह रहे थे कि उनकी बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक जरदारी साहब ने जो बात यहाँ कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल वही उसी किस्म की बात मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुई, और मेरा ख्याल है इत्तफाक भी आपस में था। अच्छा, क्या इत्तफाक था? इत्तफाक यही था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं वो करनी है, उसके बगैर फ़ायदा कोई नहीं यहाँ आने का। हम इसीलिए आए थे ताकि अगली इलेक्शन रिग ना हो सके और गड़बड़ ना हो, और इसीलिए निकालना भी ज़रूरी था इमरान खान को, नहीं तो वो रह जाते तो बहुत कुछ हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि इसको निकालना है, फिर देखेंगे आगे क्या करना है, मगर इसको निकालें तो सही। अब ये है कि आगे कैसे बढ़ना है, और अब आप देखिए किस किस्म के प्रेशर्स आ रहे हैं। एक तो इमरान खान कह रहा है कि मैं आपको उड़ा के रख दूंगा अगर आप इलेक्शन नहीं करेंगे, और चौरी फवाद जो है वो जनरल बाजवा को और आर्मी को कह रहा है इंटरवेंशन करें आप, बेसिकली यही इंटरवेंशन करें और इलेक्शन कॉल करवाएं। अरे भाई, वो कैसे कॉल करवा सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शन कॉल करना तो प्राइम मिनिस्टर का हक होता है और किसी का हक नहीं होता। जैसे इमरान खान साहब को ये हक दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप इलेक्शन कॉल कर लें, और जब उन्होंने इनकार कर दिया इलेक्शन कॉल करने से, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उनके खिलाफ। तो अब बात यह है कि या तो इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके इस गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएं, जो कि वो कर नहीं सकते, उनके पास वोट्स ही नहीं है, वो तो रिज़ाइन करके बैठे हुए हैं। अब वो सड़कों पे आ गए हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है किसी गवर्नमेंट को निकालने का। अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो कल को लबैक वाले भी पहुंच जाएंगे निकालने के लिए गवर्नमेंट को, और लोग भी आ सकते हैं इकट्ठे करके, ताहिरुल कादरी भी पहुंच जाएगा डरना करने। ये तो इनके लिए क्या मसला है 50,000 बंदा इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च करना, कोई मसला नहीं है। मगर क्या ये आईनी तरीका तो नहीं है ना? आईनी तरीका तो पार्लियामेंट के अंदर आप काम करें, वहाँ आप एहतजाज करें, मीडिया के ज़रिए आप करें, मगर ये नहीं कि आप तोड़ फोड़ करें और लॉन्ग मार्चेस करें और धरने करें। ये पहले भी कामयाब नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, बाय द वे लेट मी टेल यू, अब भी नहीं होगा। अगर ये करते भी हैं तो ये कामयाब नहीं होगा। मगर ये कहना कि आर्मी को इंटरवेंशन का कहना कि आर्मी इंटरवीन करे, ये पहले भी धरने के दौरान भी इमरान खान ने ये कोशिश की थी, और अब फिर ये उसी रास्ते पे टूटे हुए हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि आइन की तो धजियाँ उड़ा रहे हैं, दिन हर रोज़ ऐसे ही करते हैं। अब आइए आप